हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं बना रही हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें निकलना है 9 बजे पीलीभीत के लिए। तो उससे पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था पेटे के जो है पैर में दर्द हो रही है, तो MRI के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो इसलिए पीलीभीत जा रहे हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा जाएगा, और दादी जी नहा के आ चुकी हैं, तो अब मैं इसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तब तक मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और फिर मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और बेटा भी रेडी हो गया है, तो अब निकलते हैं थोड़ी देर में। टाइम हो चुका है, 9 बज गए हैं और मैंने कल का सूटी वियर कर लिया क्योंकि ये निकला हुआ था। बाकी ये भी कपड़ों में करनी थी प्रेस और इतना टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं प्रेस करूं फिर उसे पहनूं, तो अभी ये निकला ही हुआ था तो इसी को मैंने वियर कर लिया है। और अब मिलते हैं आपसे सीधे वहीं पहुँचने के बाद, तो बने रहिए ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हस्बैंड निकाल रहे हैं गाड़ी और रिपोर्ट्स वगैरह सारी हमने रख ली हैं क्योंकि 2 बार एक्सरे हो चुका है और अभी पेन किलर खाई है इसने, तो इसको दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो आराम से चल ले रहा है, वरना इसे काफ़ी दिक्कत हो रही है चलने में। तो अब सीधे हम निकलते हैं और पहुंचते हैं, क्योंकि 11 बजे डॉक्टर बैठेगा, तो फिर मिलते हैं आपसे सीधे वहाँ पहुँचने पर ही। ये है आज का हीरो जो हॉस्पिटल जा रहा है, एक पाँव में चोट लगी थी, दूसरे में ही मार ली इसने। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम पहुंचे हैं अपने जमाई जी के हॉस्पिटल में। जमाई जी हैं ये हमारे पापा के फ्रेंड हैं, अंकल उनके जमाई जी हैं, तो इन्होंने अभी न्यू क्लिनिक खोला है यहाँ पे, हर्षवर्धन क्लिनिक करके, और हैं डॉक्टर मोहित वर्मा जी, तो ये सभी चीज़ों का इलाज करते हैं। तो अभी हॉस्पिटल ओपन नहीं किया है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है हॉस्पिटल खुलने का, तो यहीं पे घर भी है और क्लिनिक दोनों ही साथ में है, तो आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों का इलाज करते हैं। तो एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दीजिए, एक बार ज़रूर आइए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, इनकी दवाइयों से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए, कुछ डिस्कशन करना था इनसे तो हम इनके पास गए हैं, और ये है इनकी वाइफ। तो अभी हम बैठने के उसमें थे क्योंकि हम काफ़ी लेट हो रहे थे, तो खाली सिर्फ डॉक्टर साहब से मिल के फिर हम निकलते हैं आगे। तो अब भरा रहे हैं फ्रेंड्स तेल, क्योंकि बिना तेल की गाड़ी चलेगी नहीं, तो इसका भोजन पानी इसको दे देते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट पीलीभीत के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपको सीधे वहीं पहुँचने के बाद। हॉस्पिटल और बनवाते हैं पर्चा और देखते हैं कि कितनी देर में आएंगे डॉक्टर। तो पर्चा वगैरह बन चुका है हमारा और हम कर रहे हैं वेट डॉक्टर का, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया बट डॉक्टर नहीं आए हैं। 11 बजे का टाइम था बट अभी लेट हो गया काफ़ी, तो अभी हमें 1-2 घंटे और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आएँगे डॉक्टर साहब, फिर दिखाते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर, कौन कौन से टेस्ट बताते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर को दिखा चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि थोड़ा खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 2:30 बज चुका था, तो खाना ना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से अपनी बुआ जी के यहाँ के लिए। तो वेट कर रहे हैं अभी खाने का हस्बैंड, बेटा और मैं, क्योंकि नॉर्मली खाना खाएंगे सीधा साधा ताकि दिक्कत ना हो, तो खाने के बाद निकलते हैं बुआ जी के यहाँ के लिए। तो पेट पूजा कर लिए हमने और हम जा रहे हैं अपनी बुआ जी के यहाँ, तो चलिए मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद आपसे। पहुंच गए हैं हम बुआ जी के यहाँ और अभी नए बना हुआ है मकान में, क्योंकि कुछ टाइम हुआ है शिफ्ट हुए हैं बुआ जी लोगों को, तो थोड़ी देर बैठते हैं, मिलते हैं सबसे, तब तक बने रहिए ब्लॉग में और फिर निकलेंगे यहाँ से घर के लिए।
इधर कर दो हेलो, हेलो कर दो, वहाँ कर दो हेलो, कर दो हेलो हेलो। ओहो सरकार तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं घर, सुबह के निकले हुए, शाम हो गई और अभी बताते हैं क्या हुआ घर पहुंचते ही। घर पहुंचने में पता चला है कि दादी जी भी आज गिर गई, उनका पैर स्लिप हो गया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दादी और पोते दोनों ने सीट जमा ली अपनी, क्योंकि घर आने के बाद पता चला कि दादी का पैर स्लिप हो गया, तो दादी भी गिर गई और इसको भी डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बता रखा है, हिलना नहीं है। तो दादी को भी बेड रेस्ट बता रखा है, तो दोनों एक ही जगह पे अब बैठे हैं, क्योंकि दोनों के पाँव में चोट आ गई है, भाभी के तो नस में प्रॉब्लम हो रही है और दादी के चोट आ गई है, तो इसलिए दोनों आराम से बैठ के देख रहे हैं टीवी। तो फ्रेंड्स अभी चेंज नहीं किया है, और चेंज इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी जाना था पार्थिव पूजा, तो हो चुकी दिन में, क्योंकि दिन में हम घर पे नहीं थे। तो पार्थिव पूजा का प्रसाद, शाम को खाना पीना हमारा, पीछे मामी जी लोग हैं उनके यहाँ है, और इसलिए चेंज नहीं किया है। तो आज थोड़ा ये अच्छा हुआ कि खाना नहीं बनाना पड़ा शाम का, क्योंकि सबका खाना वहीं था, तो थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे और थक गए थे काफ़ी, और फिर दादी की भी चोट लग गई थी, तो इस वजह से काफ़ी काम हो जाता, तो सबका खाना वहीं था। तो पापा जी लोग गए हुए हैं, अब थोड़ी देर में हम भी जाएंगे, हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, उसके बाद निकलेंगे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को एंड शेयर करिए और सपोर्ट करिए अपना। थैंक यू।